अब जाओगे कितना? हाँ विरायतन, विरायतन है फिर विरायतन शांति स्तूप हो गया, फिर शांति स्तूप से वो अपना हाँ स्वर्ण भंडार हो गया, मनियार मठ गर्म कुंड होते हुए और थोड़ा विरायतन के पास वो होके होके ऐसे चले आएंगे। बीच में वो है ना अपना ग्लास वाला ब्रिज, वो मिलेगा उसका टिकट? अभी तो 8:30 बजे हाँ ऑनलाइन कराना पड़ेगा। अब तो फिर मेरा हो जाएगा, तो देख लेंगे अगर हो जाएगा तो कितना कितना देना पड़ेगा? 1000 रुपये पूरा गाड़ी घुमाएंगे तो क्या इतना 1000 रुपये थोड़ी हो जाएगा? ठीक से बताइए हमको, क्या है कि हमको फिर आधा दिन मतलब हमको जल्दी जल्दी निकलना है, टाइम नहीं लगाना, क्योंकि हमको नालंदा जाना, पटना निकलना है, दोपहर तक हमको पटना किसी भी हालत में निकल जाना नालंदा से, वही मेरा टाइम नहीं लगने वाला, आधा दिन मतलब 12 बजे के अंदर मुझे खत्म करना है, क्योंकि हमको नालंदा जाना है फिर वहाँ से पटना निकलना है। आप बताइए ना कितना? हम तांगा लिए हैं, तांगा से आज घूमेंगे राजगीर, वी आर गोइंग टू सी सम टूरिस्ट स्पॉट्स राजगीर। भाई आपका अपना नाम बताइए। सकलदीप जी के साथ जो है सो हम तांगे पे घूमने निकले हैं, ये टमटम भी बोलते हैं यहाँ पे, तो चलिए फिर राजगीर टू, लेट्स विजिट राजगीर। तो हमारी तांगे चल पड़ी है राजगीर के लिए। सकलदीप बोले ना, और सकलदीप जी हैं राजगीर में। कब से हैं आप भाई सकलदीप जी? हाँ बच्चे से ही हैं। तो राजगीर तो यहीं पे पैदाइश है इनका, और तांगा कब से चला रहे होंगे इनका अपना, बहुत दिनों से चला रहे होंगे नहीं? सो वी आर देयर विद सकलदीप एंड ही इज फ्रॉम हियर, ही इज नेटिव ऑफ राजगीर, सो लेट्स विजिट सम, इट्स इको फ्रेंडली वे टू विजिट, सो एक पर्यावरण अनुकूल तरीका जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं राजगीर घूमने के लिए, सो लेट्स सी।
राजगीर महोत्सव इस बार नहीं है, नहीं। पहले आते थे ना बड़े बड़े कलाकार सब, हेमा मालिनी, मीनाक्षी सादरी, पंकज उदास, सब जमाना चला गया नहीं। अच्छा पहले से अभी अच्छा हो गया है, काफी सारा जगह जो है सो थोड़ा सा सौंदर्यकरण हुआ है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ दिस प्लेस हैज बीन हैपेंड पेंडिंग सिंस अ लॉन्ग टाइम। ये है भैया ब्रह्म कुंड, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, जो मेन कुंड है, गर्म पानी यहाँ स्रोत है, यहाँ लोग नहाते हैं। This is Brahmakund area. ये हमारी टांगे क्या जोरदार चल रही है, ये टमटम, ये है हमारी राजगीर, I love राजगीर। हमारे टांगे के कंपटीशन में एक और टांगा जा रहा है, काफी लोग सवार हैं उस पे। भाई हम स्वर्ण भंडार के तरफ जा रहे हैं, जगह का नाम मनियार मठ स्वर्ण भंडार। टूरिस्ट लोग सब घूम रहे हैं, मेनी टूरिस्ट नाउ इन राजगीर। Can see tourists are there in Rajgir from different places. Rajgir में आप देख सकते हैं काफी टूरिस्ट हैं। अब हम स्वर्ण भंडार पहुंच चुके हैं। We arrived at स्वर्ण भंडार and Jarasandh, the battle ground of Jarasandh fort. ये है हमारा स्वर्ण भंडार एंड दैट इज नेचर सफारी राजगीर दैट साइड। स्वर्ण भंडार दिस इज व्हाट वी हैव। This is what you can see. एक पहाड़ है, this is a mountain and rocks. And in this people are telling there are hidden treasures of gold. So nobody knows whether golds are there inside or not. So आप देख सकते हैं पहाड़ है, इसके अंदर जो है लोग बोलते हैं कि सोने का खजाना छिपा हुआ है, है या नहीं पता नहीं। But it is said. Dear friend, I am at Swarn Bhandar. मैं अभी स्वर्ण भंडार राजगीर में हूँ। You can see behind me. नहीं,
चलेगा, हमको तो बस this is what a kind of cave. Lovely place, सुंदर जगह है, शांत प्रिय स्थल, ग्रीनरी से भरा हुआ. क्या चेंज मैं, दिस इज मनियार मठ, कम विजिट दिस प्लेस. मठ, दिस इज मनियार मठ. मनियार मठ के पास जाके जरा देखा जाए क्या क्या है. आ गए हम नीचे, डाउन. यू कैन सी इनसाइड, इट्स लाइक अ वेल. क्या था ये? मनसा मंदिर, मनसा मंदिर के नाम से है ना, मनसा मंदिर मनियार मठ का. वो टिकट किधर मिलता है? आगे बिंबिसार जेल, इसको बोलते हैं कि बिंबिसार का ये जेल है, यहीं पे बंदी बना के रखा बिंबिसार जेल. Now we are going towards the Shanti Stoop. So, the right side you can see is the road which is going to Bodh Gaya, Nawada, and the left side straight will go to the Shanti Stoop. देख रहे हैं सामने हमारे पास दरवाजा है शांति स्तूप का है, जहाँ पे कि हम जा सकते हैं. ये एक पहाड़ के ऊपर स्तूप है, बुद्धिस्ट भगवान बुद्ध हैं उसमें, और उस वहाँ पहुँचने के लिए रोप वे भी है. सो वी आर गोइंग टू द शांति स्तूप. राइट साइड जो रोड जाती है बोध गया चली जाती, नवादा चली जाती. सो लेट्स गो, चलिए फिर चलते हैं शांति स्तूप. यू कैन सी आई एम एट द एंट्रेंस ऑफ द शांति स्तूप. वी आर गोइंग, अभी मैं शांति स्तूप के एंट्रेंस पे. This is the left side is Jeevak Amravan Vihar. You can see. This is also our beautiful side. So my car is going. You can see that is the 8-seater and this is a single seater. Both seaters are there. People are coming. I'm going from here. Is there? The bridge all is going. So I am at top of the mountain Shanti Stupa. Still you need to walk from the rope little bit. You can see monkeys are also there. Hey bhai, kaate to nahi? Nahi,
कुछ करना नहीं है, सिर्फ चले जाए। From the top of the mountain Shanti Stupa view, you can see, wonderful. So now we are going down. This is Rajgir Wildlife Safari. You can see in front of the main gate there is a lawn. ये राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी है, जहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ को देख सकते हैं अंदर जाके। इसका टिकट होता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, ज़्यादातर तो ऑनलाइन बुकिंग ही होता है। इसके अंदर ग्लास ब्रिज भी है जो कि आप बुक करा सकते हैं। सो दिस इज़ राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, वेयर यू कैन बुक योर टिकट फॉर वॉचिंग वाइल्ड लाइफ एज वेल एज देर इज़ अ ग्लास ब्रिज, सो दैट ऑल्सो यू कैन एन्जॉय। अदर एडवेंचरस एक्टिविटीज़ आर देयर इनसाइड। सो लेट्स मूव इनसाइड दिस पार्क, इनसाइड द गेट। आई हैव नॉट बुक्ड, मैंने तो बुक नहीं किया है आज, और शायद टिकट भी फुल है। सी व्हाट इज देयर इनसाइड। दिस इज बेसिकली द काउंटर, यू कैन सी। यह गेट है, टिकट काउंटर भी है यहाँ पे, जहाँ से आप टिकट परचेज कर सकते हैं। ज़्यादातर टिकट ऑनलाइन ही, ऐसे तो आप मैनुअली भी बुक करा सकते हैं। एक बार जल्द बताइए टिकट का क्या प्राइस है? जू सफारी घूमने में 250 लगेगा, और नेचर सफारी जिसमें ग्रासेस बना है उसका 300 लगेगा। एंट्री प्लस एक्टिविटी चार्ज उपलब्ध है। अच्छा, और ये ऑनलाइन ज्यादातर बुकिंग है? ऑनलाइन का वेबसाइट नेचर सफारी राजगीर.in पर होता है। राजगीर.in और ग्लास वाला वो भी उसी में? उसी में। ओके, थैंक यू। This is inside view from where you can take entry after taking tickets from this side. आप बुक करा सकते हैं और आ सकते हैं, और इसमें वाइल्ड लाइफ वॉचिंग और उसके अलावा आप ग्लास ब्रिज और बहुत सारे एडवेंचरस एक्टिविटीज है जो कि आप दे सकते हैं। ये हमारी टांगे आ गई, लेट्स गो सिट। We are going towards one of the best hotel in Rajgir, Indo Hokke Hotel and Viraitan guest house for Jis, for Jain community. So we'll just go and return.
एक बहुत ही बेहतरीन जापनीज होटल इंडो होके होटल का नाम है और विरायतन गेस्ट हाउस जो कि जैन समुदाय का है, उधर एक बार देख के वापस आते हैं। ये पांडू पोखर पार्क है राजगीर के अंदर, इसमें काफ़ी कुछ एक्टिविटी है जहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हैं बच्चों के साथ। अच्छा खासा एक गार्डन है, बहुत बड़ा लॉन एरिया है। दिस इज़ पांडू पोखर पार्क विथ ऑल ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ फैमिलिटीज फैसिलिटीज आर एवरीवेयर, बोट राइडिंग, एवरीथिंग इज अवेलेबल इनसाइड दिस पार्क। So you can ये है विरायतन। ये है इंडो होके होटल। इंडो होके होटल वन ऑफ द बेस्ट होटल इन राजगीर। जापानी स्टाइल रूम्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर, सो इफ यू आर प्लानिंग यू कैन स्टे इधर इन विरायतन और इन दिस होटल। This is souvenirs of Indo Hockey Hotel Emporia. Sony's restaurant. Serving food. Well, public bath area. These are the public bath. These are the room wings. This is meditation hall.
सिक्स स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट। दिस इज द प्रेयर हॉल। Full hotel to stay in Rajgir. They have different style of room: Japanese, Western, double, single, suite. All different style of rooms are there. So one of the best place to stay in Rajgir. You can contact on these numbers if you want to book. Virayatan, best place to stay. So it is peaceful surrounding, you can see. This is also one of the place where you can stay, but you have to book in advance. Peaceful, spiritual place. Wonderful environment. ये आ गए हम Japanese temple of Rajgir. ये Japanese temple of Rajgir है, बहुत ही सुंदर है. It's beautiful temple. So let's go inside and visit this temple. Can see Lord Buddha is there in front of this temple also, and it is very inside also. Let's go inside. From Rajgir, I have taken the bus. So I will go to Patna. So this is the Rajgir market. You can see around me. All Rajgir. शिला हो गया, खाजा बहुत फेमस, ये
देख सकते हैं कितने सारे खाजा का दुकान है। खाजा ये खाजा दिस प्लेस इज फेमस फॉर स्वीट्स खाजा सिलाओ खाजा बाय खाजा। यू कैन सी ओनली खाजा शॉप्स आर हर एक खाजा की दुकान। So now returning back to Patna and then back to home from Nalanda Rajiv.